47 मैचेस इस वर्ल्ड कप में हुए फाइनल को हटाकर, आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए मिक्सर टूर्नामेंट हुआ है और जितने क्लोज मैचेस होने चाहिए थे उतने आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन एक चीज़ जो है वो एविडेंट थी इस वर्ल्ड कप में, वो ये थी कि आपको जो इम्तिजाज था T20 का और टेस्ट मैचेस का वो कुछ टीमों में देखने को मिला। मोस्टली जो टीमें हैं उनके बैटर्स ने स्ट्रगल किया और बॉलर्स ने भी स्ट्रगल किया, जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी डिमांडिंग हुई बैटर्स के लिए वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया, जहाँ पे बॉलर्स के लिए डिमांडिंग हुई वहाँ पे बॉलर्स ने स्ट्रगल किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उससे जिस तरह बैटिंग इवॉल्व हुई है, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ जो एक चीज़ बड़ी एविडेंट नज़र आई है कि वो जो बेसिक्स ऑफ द गेम है बैट्समैनशिप थे उससे थोड़े से परे चले गए, डिफेंसिव टेक्निक आपको देखने को नहीं मिली, थोड़ा सा टर्न हुआ शाज़ और नाज़री बैट्समैनों ने जो है वो अच्छा खेला, लेकिन इंडिया के बैट्समैन जो थे जहाँ जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिमांडिंग आई उन्होंने कमाल की बैटिंग की और बॉलिंग भी कमाल की। सो अगर ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो आई थिंक इंडिया जो है वो इस सारे टूर्नामेंट में लीड ले गया, फाइनल में जो भी रिजल्ट आए, लेकिन उन्होंने शो किया कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और तैयार हो के टीम आए तो कैसा खेलती है। समी फाइनल से कबल जो मैचेस हुए थे 24,141 रन्स बने और 17 विकटें गिरी, आप कैसे देखते हैं? रन्स जो है वो काफ़ी हुए, सेंचुरियाँ भी बहुत हुई और जिस तरह की बैटिंग की क्विंटन डिकॉक ने, अगरचे वो सेमीफाइनल में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें और भारतीय बैट्समैनों ने खासतौर पर विराट कोहली ने जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया उसको अगर आप सामने रखते हुए देखते हैं कि ये बॉलर्स का वर्ल्ड कप साबित हुआ या नहीं हुआ? नहीं देखें, जिस तरह स्टैट बता रहे हैं तो मोस्टली बहुत ज़्यादा रन हुए हैं, लेकिन सम आओ बॉलरों ने भी अपना किरदार ज़रूर अदा किया, क्योंकि अगर इतनी फ्रेंडली कंडीशन हो अगर बैटिंग की और आप ग्राउंड साइज देखें और जो आजकल के फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन देखें तो बॉलर को बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए, तो मेरे ख्याल में बॉलर ने ज़रूर अपना किरदार अदा किया। अगर आप बात करें स्पिनर की, स्पिनर स्टैंड आउट रहे हैं कुछ टीमों के, फिर फास्ट बॉलर की बात करें तो वो भी हमें अच्छी फास्ट बॉलिंग देखने को मिली, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अच्छा इम्तिजाज रहा है वर्ल्ड कप का, लेकिन एक बैटर साइड पर ज़्यादा रहा है थोड़ा सा फेवर बैटिंग की साइड। फास्ट बॉलर्स की अगर मैं आपसे पूछूं तो मोहम्मद शमी बिल्कुल उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश की, 7 विकटें भी लीं आखिरी मैच में सेमीफाइनल में, और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया आप क्या देखते हैं? मोहम्मद शमी के अलावा और कौन कौन से फास्ट बॉलर्स आपको नजर आए कि जो अपनी कारकर्दगी से मुतासर करने में कामयाब? देखिए मोहम्मद शमी आउटस्टैंडिंग रहे, और देखें आप अगर उस शमी की बॉलिंग देखें तो आज भी उन्होंने ये बात कराई है कि बाज़ औक़ात आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है बल्कि डिसिप्लिन बॉलिंग की ज़रूरत है, और आपको बिल्डअप किस तरह, मतलब एक ही जगह पे आप रह के स्किल के ज़रिए भी आउट कर सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहा। उसके अलावा आप देखें मार्को जेंसन रहे, फिर रोहित कुर्दिया साउथ अफ्रीका के रहे, फिर आप अगर इंडियन की बात करें जसप्रीत बुमराह स्टैंड आउट रहे उनकी बॉलिंग के, और मोहम्मद सिराज रहे तो काफ़ी बॉलर रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप मिचेल स्टार्क, उस पहले आप वर्ल्ड कप शुरू हुआ उस तरह की फॉर्म में नहीं थे, जैसे जैसे नॉकआउट की तरफ आते जा रहे हैं तो उनका भी ये अच्छा वो रहा है वर्ल्ड कप। देखिए मोहम्मद शमी ने 3 दफा आमिर 5 विकेटें हासिल की, अगर एनालिसिस की बात करें बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की इस वर्ल्ड कप में, तो कैसे देखते हैं बाकी बॉलर्स को भी, लेकिन शमी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग नजर आए। देखिए उन्होंने रीएम्फसाइज किया एक चीज कि फास्ट बॉलिंग अगर आपने करनी है, आपके पास अगर स्विंग नहीं है तो सीप मूवमेंट जरूर होनी चाहिए, और उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी लाइन जो है वो बड़ी टाइट होनी चाहिए जहां पे बैट्समैन को आप हार्ड वर्क करवाएं रन्स के लिए। और ये क्रिकेट इस तरह की है कि अगर आप बैट्समैन को चंद ओवर अच्छे करते हैं तो बैट्समैन ने कोई ना कोई इनडिफरेंट चीज़ करनी है और उसका फ़ायदा बॉलर को होता है। सो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप स्पिनर हैं तो आपको गेंद स्पिन करना आना चाहिए, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको फास्ट नहीं, आपको गेंद को स्विंग करना है या सीम करना है। अगर ये आप करते हैं तो आप जहां मर्जी खेल रहे हो आपको विकेट्स मिलेंगे, और आपको ज़माना याद होगा जब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स जो थे किसी तरह की भी पिच होती थी वो आके जबरदस्त बॉलिंग करते थे। और एक और चीज़ जो डिस्कस करने वाली है मेरे ख्याल में वो यह है कि अब जो रूल्स हैं, समी ने हल्का सा इशारा किया है, सर्किल से बाहर 2 फील्डर्स सिर्फ अलाउड है, वो बैट्समैन की तरफ ज्यादा है। सो अगर आपने बैटन बॉल का जो है वो कॉन्टेस्ट रखना है तो आपको अब ग्राउंड्स बड़े करने पड़ेंगे,
छोटे ग्राउंड्स पे बड़ी मुश्किल, छोटे ग्राउंड्स के ऊपर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देखिए आप, आपको कई बॉलर जो है वो खुल के गेंद करते हुए नजर नहीं आए, वो डरे डरे बॉल करते रहे। अगर आप एक स्टैंडर्डाइज करेंगे, आईसीसी को ये मेरा ख्याल है, अगर उन्होंने वन डे क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो हैं वो थ्रिलिंग करवाने हैं, तो ये एस्पेक्ट जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ग्राउंड्स जो हैं वो बड़े होंगे। देखे बल्लों की बात होती है, बहुत ज्यादा बैट मेकिंग इवॉल्व हुई है। अब जो बैट हैं आप इस तरह करते हो तो बहुत लंबा छक्का जाता है और बड़ी तेजी से गेंद जो है वो ट्रेवल करता है, और उसमें एडवांटेज जो है वो अब बैट्समैन को, गेंद उसी की उसी तरह, लेकिन जो बल्ले हैं वो अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए। सो उसको मद्देनजर रखते हुए अब आईसीसी को जो चीज करने की जरूरत है, मैं दोबारा से इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अब आपने ग्राउंड जो है वो स्टैंडर्डाइज करने हैं ताकि मैचेस और जो है वो तगड़े हों और कॉन्टेस्ट जो है वो बड़ा हो और लोग जो है ठीक है टी ट्वेंटी में चौके छक्के एंजॉय करें और ये एब्जॉर्बिंग क्रिकेट जो है इसको एंजॉय करें। लेकिन एक वक्त था कि डेनिस लिली वो उसका बैट लेकर आ गए थे, आपको याद, एल्युमिनियम का, तो उस पे अंपायर ने इतराज किया। देखें अब वो तो एक तो बहुत ही डिफरेंट चीज होगी ना, लकड़ी का बैट है और वो एल्युमिनियम का ले आए, तो वो थोड़ा सा जो ट्रेडिशंस के खिलाफ था और अंपायर ने बिल्कुल सही माना किया, लेकिन अब बल्ले बहुत जबरदस्त हो गए हैं, गेंद उसी तरह का उसी तरह है। सो अब आपको ग्राउंड्स बड़े करने हैं ताकि कॉन्टेस्ट बैट और बॉल का दोबारा से तो बहाल हो। एडवांटेज बैट्समैन को आप कह रहे हैं इस तरह, बिल्कुल है, और बॉलर्स को डिसएडवांटेज है। अगर आप तीन पावर प्लेज हैं, अगर आप इनको सामने रखें, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को सामने रखें, ग्राउंडें भी छोटी हों, तो फिर बॉलर को तो आप खुलने की इजाजत ही नहीं दे रहे। फिर तो आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ी अच्छी फॉर्म में बॉलर हैं, जिस तरह मधुशंकर है, शमीर है, जांपा ने अच्छी बॉलिंग की, कुटसे ने अच्छी बॉलिंग की, और बुमराह भी हैं और भी काफी हैं। सो आपको ओवरऑल जो है ये इस वर्ल्ड कप से जो 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 चीज लेके जानी है अगला वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग करने के लिए, आई थिंक साइज ऑफ द ग्राउंड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। समी, मोहम्मद शमी ने सिर्फ 6 मैच खेले, हालांकि भारतीय टीम 10 मैच खेली लेकिन उनको 4 मैचेस में नहीं खिलाया गया, 6 मैचेस में 23 विकेटें, टॉप विकेट टेकर, और अब उनके लिए भी मौका है विकेटों की तादाद को फाइनल में बढ़ाएं। और एडम जंपा जिन्होंने सेमीफाइनल में कोई विकेट नहीं ली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो उनके लिए भी मौका है, उनकी 22 विकेटें। फिर मधुशंका बदकिस्मत रहे कि उनकी टीम आगे नहीं आ सकी। उसके अलावा आप देखें क्विट्जी ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की सेमीफाइनल में, उनकी 20 विकेटें, और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह। तो इस बॉलर्स की जो टॉप बॉलर्स हैं इनकी लिस्ट को देखते हुए आप क्या समझते हैं, इससे सिर्फ स्पिनर जो है वो सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, क्या वजह है? देखो वजह यह है कि जिस तरह मैंने बात की, बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि स्पिनर को जो है ना अब जहाँ जिस जरिए पे बॉल कराई जा रही है, तो ग्राउंड का साइज है, फिर बाद जगह अगर आप देखें तो वन डे क्रिकेट काफ़ी लंबी 100 ओवर का गेम है, तो विकेट का बिहेवियर पहली इनिंग में चेंज भी हो रहा है, फिर दूसरी इनिंग में चेंज हो रहा है, तो ये बड़ा आप देखें कि तो आप देखें ना इम्प्रेशन तो क्रिएट किया ना जंपा, जी हाँ बिल्कुल, छोटा हो चाहे विकेट कैसी क्यों ना हो, लेकिन एडम जंपा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, हालांकि सेमीफाइनल में वो नहीं चला लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल तक ले जाने में उसकी बॉलिंग ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। जी हाँ, बहुत ज्यादा वाइटल रोल है, और अगर आप देखें कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम में यही है जो मोस्टली विकेट टेकर लिए हुए हैं, बाकी सब ने 10 से 11 12 विकेटें ली हुई हैं, तो मोस्टली इनको विकेट टेकर यही है। और अगर आप देखें तो जो इनका रन रेट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट रोल है इनका जिस तरह उन्होंने किया, और फाइनल में भी देखते हैं कि किस तरह का वो रोल अदा करते हैं। आमिर, जिस तरह से हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, एक तो आपको एडम जंपा नज़र आए, एक मिचेल सेंटनर जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हार्ड लक थी उनकी टीम की कि वो सेमीफाइनल नहीं जीत सकी। उसके अलावा अफगानी स्पिनर्स वो आउट प्रेशर डालते थे लेकिन वो विकटें उनकी इतनी नहीं हुई। आप स्पिनर्स के शोबे में आप किसको देखते हैं जिसने एक्सेल किया इस वर्ल्ड कप? देखिए इसमें अगर आप इंडियन स्पिनर्स की बात करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। जब जब विकेट्स थे फास्ट बॉलर्स को नहीं मिले तो इन्होंने कंट्रोल दिया कप्तान को। इनके रिस्ट स्पिनर नायर बहुत कंट्रोल दिया और विकेट भी हासिल की, और जडेजा ने खास जडेजा। फिर आप महाराज की बात कर लें, उन्होंने भी जो है और बड़ी अच्छी इंप्रेसिव जो है परफॉर्मेंस दी। बेसिकली आपको फास्ट बॉलर जो है वो ज्यादा ऊपर इसलिए नजर आ रहे हैं,
फास्ट बॉलर अवेलेबल बहुत ज्यादा थे। अच्छा, हर टीम ने तीन स्पिनर, तीन तीन फास्ट बॉलर खिलाए, कईयों ने चार खिलाए और स्पिनर एक खिलाया। सो उसकी वजह से आपको स्पिनर जो है, और देखें पिचेस भी जो थी वो बहुत ज्यादा जो है वो स्पिनर्स की तरफ टिल्टेड नहीं थी। अगर आप 47 मैचेस की बात कर रहे हैं, कोलकाता की पिच थी, 47 मैचेस की बात कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पिचेस जो हैं वो स्पिनर की फेवर करते हुए नजर आएंगी, कोई 8। देखे कलकत्ता, उसके बाद आप चले जाएं उधर चेन्नई चले जाएं, और फिर एक पिच जो थी अहमदाबाद में जो पाकिस्तान वाला मैच था वहां पे असिस्ट किया, या मेरा ख्याल है पुणे में किया। बाकी सारे जो ग्राउंड्स थे उधर तो जो था वो ट्रू बैटिंग पिचेस थी, बाउंस उधर था, बाउंस और कैरी थी जिसका फास्ट बॉलर्स ने फायदा उठाया। और फिर आपने एक और चीज देखी कि लाइट्स में अंडर लाइट्स नया बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हुआ, सो उसकी वजह से फास्ट बॉलर जो हैं उन्होंने ज्यादा विकेटें हासिल की, लेकिन स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस तरह इंडियन स्पिनर्स ने। और देखिए ना हमारी टीम पीछे इसलिए रह गई कि हमारे स्पिनर्स का रोल नहीं, 12 विकेटें ली हमारे स्पिनर्स ने, जिनमें से 4 इफ्तिखार की थी, वो भी दो शादाब की, दो नवाज की, एग्जैक्टली, और 4 इफ्तिखार की जी। सो हमारी टीम का जो सबसे बड़ा बेन था इस वर्ल्ड कप में, हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो बैलेंस नहीं, 4 उसामा मीर की थी, 4 इफ्तिखार की, 2 उनकी। सो वो हमारे पास स्पिनर वो वाले नहीं थे जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। देखिए जाम्पा की अगर आप बात करें, जो रिवाइवल हुआ है ऑस्ट्रेलियन टीम का, जाम्पा की बॉलिंग की वजह से, उनकी जो आप जर्नी देखें उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 4-4 विकेट ले रहे हैं, 3-3 4-4 विकेट ले रहे हैं, और मिडिल ओवर्स में आके इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम ऊपर गई। और देखिए सेमीफाइनल में जिस तरह फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, कहीं ना कहीं उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार हमारे पास जाम्पा तो है, वो आके मिडिल में हमें आउट करके देगा। सो ओवरऑल जो यूनिट था जिनका भी, जिन टीमों का बैलेंस, उन्होंने अच्छा किया।